चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले स्टार्टेक फाइनेंस लिमिटेड को, जिन्होंने आज एडमिशन लिया था या जिन्होंने एडमिशन रिलेटेड डाउट्स पूछे थे हमारे यहाँ ट्रेडिंग इंडिया कोर्स में, उनको हम बता दें कि ये लगातार चलने वाला कोर्स है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से टाइम दे करके ही अटेंड करना चाहिए। और बस इसमें इतना ही है, जैसे जैसे कोर्स अपडेट होता जाएगा आपको मिलता जाएगा, और लाइफ टाइम का एडमिशन है आपका, तो जब तक कोर्स है तब तक आपको लगातार अप टू डेट रखा जाएगा उस बारे में। चलिए अब अभी देखते हैं अपन, करंट प्राइस की बात करें तो 292 रुपीज़ का चल रहा है अभी ये, और बुक वैल्यू है 206 रुपीज़ की, एग्जैक्ट है 292.30 रुपीज़। पेट्रोस्की स्कोर अच्छा खासा है 9 का। ये जो कंपनी है ये बेसिकली स्टार्टअप फाइनेंस लिमिटेड जो है ये एक लेंडिंग कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस और स्मॉल लोन्स देते हैं ये MSMEs को, और इस तरीके से अपना NBFC रजिस्टर्ड है RBI के साथ। तो चलिए ठीक है, अगर और देखते हैं अपन, हम नॉर्मली आप लोगों को पता है ही कि हम कुछ फाइनेंस की कंपनियों से थोड़ा सा सावधान ही रहते हैं, लेकिन अपन इसको देखते हैं पहले पूरा एनालिसिस में। कॉन्स की बात करें, पहले बुरी चीज़ों के देखें तो टैक्स रेट लो है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी लो है, वो है 7.23% का लास्ट 3 ईयर से, डिविडेंड पे आउट लो है, 1.17% का प्रॉफिट है लास्ट 3 ईयर से। अगर अच्छी चीज़ों में तो कंपनी अच्छा क्वार्टर देने की उम्मीद रख रही है। अगर इधर अपन बात करें ओवरऑल नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी के सभी क्वार्टर यहाँ पे प्रॉफिट में, 3.45 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में मार्च 2024 में। अब यहाँ पे ईयरली बेसिस पर अगर अपन देखें तो 16 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है, उसके पहले 22 करोड़ का प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ लेकिन स्टिल अच्छा खासा प्रॉफिट है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रॉफिट 2021 में हुआ था 38 करोड़ का। डिविडेंड पे आउट की बात करें तो 2% का डिविडेंड पे आउट है। कैश फ्लो की बात करें, अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यहाँ पे 36 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है, सबसे ज्यादा नेगेटिव कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में है 58 करोड़ का, ओवरऑल नेट पॉजिटिव कैश फ्लो है वो है 2 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अच्छा खासा होल्डिंग है प्रमोटर के पास 72.76% का, गवर्नमेंट होल्डिंग कुछ भी नहीं है, पब्लिक होल्डिंग है 27.23% की। ओवरऑल यहाँ से फाइनेंसिस सब सही है हमारे ओपिनियन में, मगर अगर अपन यहाँ पर देखें तो डेली बेसिस पर देखें बीच में यहाँ पर बड़ा भारी फॉल आया था, और ये 2024 की बात है, और इसी तरह से अभी अभी अब गैप अप है और बहुत सारी चीजें काफी फ्लक्चुएटिंग सा है। हमने पहले भी इसका एनालिसिस किया हुआ है, एक बार 350 के ऊपर हमने एक बार एनालिसिस किया था, उसने वहां पे 350 को ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, और जो भी उस दिन, उसके बाद जितने भी दिन तक इसने स्टे किया किया, और उसके बाद फिर जितने भी दिन किया, इनफैक्ट ये जो है आपको दिखाते हैं यहाँ पर, एक दिन यहाँ पे स्टे किया और उसके बाद वापस आ गया, थोड़ा देर के लिए ऊपर से अपसाइड गया था, उसके उसके बाद ऊपर आ गया था, उसके बाद में वापस अपने लेवल्स पे निकल गया था, तो लोअर लेवल्स पे। अब देखिए बात ऐसी है कि इस तरह के स्टॉक से इन जनरल कुल मिलाकर दूर रहना चाहिए, और ऑल्दो फाइनेंसेस अच्छे हैं कंपनी के, मगर हम जो है 416 के बाद ही कोई भी व्यू बना रहे हैं, 416 के बाद ही हम देखेंगे इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, अभी तो हम इनसे दूर रहने का ही सजेशन देंगे। देखिए ऐसी भी चीजें होती हैं फाइनेंस कंपनियों से, हम ऑलरेडी आप लोगों को सबको कहते भी हैं कि सावधान रहिए, जब तक कि कोई बहुत ही ज्यादा वेल नोन कंपनी नहीं है या फिर आप कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें तो 416 या 417 के बाद, इनफैक्ट 417 के बाद ही हम कोई भी प्लानिंग करेंगे, जो कि काफी आगे है, और उसके पहले काफी रिस्की जोन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब फॉल्स आते हैं तो बहुत ज्यादा, और देखिए कितना फ्लक्चुएट होती है कंपनी, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है, तो ये सही साइंस नहीं है किसी भी कंपनी के लिए। तो देखते हैं चलिए क्या होता है आगे, बाकी फाइनेंस कंपनी है इनसे दूर रहने का ही आपको सजेशन देंगे, चलिए एटलीस्ट इस पर्टिकुलर फाइनेंस कंपनी से। तो इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं फिर आप लोगों से। ओके।